नमस्कार। जुलाई माह का मासिक राशिफल कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए किस तरह की नवीन फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहां एक नए कलेवर के साथ उपस्थित हैं। हम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन तो करते ही हैं, उसके साथ ही इस बार भाव स्पेसिफिक पोजीशंस के साथ भी चलने का कार्य करेंगे। जिस तरह हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ किस ओर रहने वाला है, यात्राएं सुखद रहेंगी या बहुत ज़्यादा थकाने वाली होंगी, मानसिक सुख की स्थितियाँ क्या कह रही है, धैर्य पराक्रम किस तरह से पनपा रहेगा, द्रव्य स्थान की स्थितियाँ लिक्विडिटी क्या कह रही है, ओवरऑल पोजिशंस क्या कह रही है, ये सारे के सारे एक एक भाव के साथ में हम लेकर चलते चले जाएंगे। इस माह श्रावण मास की स्थितियां भी रहेगी। जुलाई के मध्य काल के बाद से आपको शिव उपासना के लिए जरूर जाना चाहिए। भक्ति के भीतर जो एक स्पंदन है, श्रद्धा है, वो पूर्ण रूप से खुद के भीतर निहित करते चले जाएं। मनोकामनाओं की पूर्ति और उसके साथ में आनंद की पूर्ण रूप से अपने मन में उत्पत्ति, दोनों ही स्थितियां देखी जा सकती है अगर आप शिव उपासना के लिए पूर्ण सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ में जाते चले जाते हैं। तो उस स्थिति के साथ में रुद्राष्टाध्यायी, लिंगाष्टकम, महिमन आदि के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो बहुत ही बेहतर एक तरह से फलाफल आपके सामने निकल कर आते हुए देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान के भीतर ही और जो दीप्त पुंज हैं, प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, सूर्य 16 जुलाई तक यही मिथुन में विराजित रहेंगे। उसके बाद परिवर्तित होकर मंगल और बुध के साथ में कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे। शुक्र दैत्य गुरु 23 जुलाई के बाद अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। राहु और केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजित, तो वहीं पर बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही वक्रगत वृश्चिक और धनु के भीतर विराजित रहेंगे। बुध मोर और लेस इस महाअंतराल के भीतर यही कर्क राशि में ही विराजित हैं। 22 जून से 8 अगस्त के मध्यकाल के भीतर मंगल भी यहाँ नीचस्थ स्थितियों में ही रहेंगे। तो सर्वप्रथम ओवरऑल कॉन्फिडेंस के पोजीशंस की बात। शनि देव ने यहाँ पूर्ण रूप से आपके लिए एक स्थिरता दे रखी है। व्यवहार के भीतर एक दृढ़ता और स्थिरता, दृढ़ संकल्प शक्ति आपके लिए इस समय देखी जा सकती है। बहुत लंबे समय से जॉबलेस पोजीशंस के अंदर आप थे। ये माह का जो मध्य अंतराल है 16 to 31 July के बीच की जो पोजीशन है, ऐसी स्थितियों में आपके लिए एक क्लैरिटी लेकर आ सकती है और बड़े ही शानदार रिजल्ट्स आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। तो तयशुदा तौर के ऊपर रफ्तार को परवाज दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा दृढ़ संकल्प के साथ कि आप उस और बढ़ पाएँ। व्यापारिक गतिविधियों के अंदर भी ये माह अंतराल आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी व्यापार के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तो स्थितियां और सुखद पोजीशन के साथ में निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। मेडिकोज हो या फिर इंजीनियरिंग, मध्यम दर्जे का ये समय अंतराल रहेगा। प्रत्येक भाव के साथ में अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सेकेंड हाउस की पोजिशंस को आप देखते हैं तो लिक्विडिटी के हाउस के अधिपति होकर बृहस्पति खुद कर्म स्थान के भीतर विराजित है। इन्होंने बड़ी ही शानदार पोजीशन 4 नवंबर तक बना रखी है और उसमें भी स्पेसिफिकली 11 अगस्त तक के समय अंतराल के भीतर तो रफ्तार एक अलग तरीके से सामने निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। लिक्विडिटी के हाउस के ऊपर इनका पूर्ण रूप से नियंत्रण है। आपके लिए जो रुपए और पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए वो भरपूर तरीके से बना रहेगा। साथ में ही जो एक मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं वो आपके लिए यहाँ पर विचलित करने वाली नहीं होगी, बनी रहेंगी। निर्णय के अंदर तीव्रता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, मातृ सुख की स्थितियाँ भी बनी रहेगी। साथ में ही बृहस्पति ने इस पोजीशन के साथ में विराजित होकर सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस को देखकर जो भी लिक्विडिटी के भीतर निर्णय लेने होते हैं उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसे किसी भी लोन की तरफ आप नहीं जाएंगे जो आपके रुपए और पैसे की गतिविधि को, द्रव्य की गतिविधि को, एक तरह से जो रोटेशन होता है मनी का, उसको बिगाड़ने की तरफ जाएं। मंगल इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निर्णय दिलवा सकते हैं किंतु बृहस्पति ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसलिए सेकंड हाउस में जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो पूर्ण रूप से आपके लिए इस नवम पंचम के एक तरह से कॉम्बिनेशन के साथ में बढ़िया बनी हुई है। कुटुंबीजन और वाणी भी एक तरह से आपका आभूषण बन के रहेंगे, आपको लगातार अपनी स्थितियों के साथ में अलंकृत करते चले जाएंगे। इस पोजीशन को बेहतर कहा जा सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बड़ा ही शानदार है। और साथ में ही जो भी लोग कुटुंबीजनों के साथ कोई भी व्यापार करते हैं या फिर एक संबंधों में कहीं ना कहीं बिछोह था, कमी थी, तो वो भी एक तरह से स्नेह
की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। वहीं पे पराक्रम स्थान की बात की जाए तो पराक्रमेश होकर मंगल जब ऐसी स्थितियों के अंदर विराजित हो तो व्यक्ति कई बार पराक्रम का व्यर्थ हनन करने के लिए जाता है। और जब मानसिक चेतना के अधिपति बुध भी यहाँ पर विराजित हो जाए, वाणिज्य के अधिपति बुध भी विराजित हो जाए तो किसी से कोई तकाजा करना हो तो उसमें तेजी देखी जाती है। शब्दों के भीतर जो एक शब्द बाण होते हैं वो बड़ी ही तीव्रता के साथ में चलने का कार्य करते हैं। भाई बहनों के संबंधों के अंदर भी पूरा कंट्रोल रहे, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। धैर्य जो कि एक तरह से व्यक्ति का आभूषण होता है और धैर्य जिसके साथ में व्यक्ति को चलना होता है, उस धैर्य के भीतर कमी देखी जा सकती है। जब नौकरी के भीतर, व्यापार के भीतर लिक्विडिटी अच्छे से पनप रही हो, आपकी जो इंक्रीमेंटल पोजीशन है या फिर जो व्यापार में एक्सपांशन की पोजीशन है तो बन रही हो, तो धैर्य स्थापित रहना चाहिए। इस कोने का विशेष तौर के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ स्थान देखिए आप कि सुखेश होकर शुक्र स्वयं यहाँ पर 23 जुलाई तक पंचम स्थान में विराजित रहेंगे। फैसिनेशंस सुख के भीतर लगातार रहेगी, सुविधा जनित सुख के लिए बढ़ने की ओर मन बार बार ललायित रहेगा और यही एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस का आपके लिए रीजन हो सकता है। जब मानसिक सुख में बृहस्पति वृद्धि करने वाले हों और शुक्र ऐसी पोजिशन के अंदर हों तो आप देखिए कि किसी भी फ्लैट की पोजिशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया, इसके साथ में कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया, किंतु उसके भीतर एक स्थिरता भी स्थापित रहे। जो हासिल किया उसको एक शाई ऑफ रिलीफ और बड़े ही आनंद के साथ में त्यौहार के साथ मनाइए और उस हासिल किए हुए की खुशी दुगनी हो जाएगी, न कि एक हासिल के बाद में दूसरे हासिल की और एंग्जाइटी के साथ में जाना शुरू कर दें। वहां पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। शुक्र जब षष्ठ स्थान के अंदर आ जाएंगे तो 23 से 31 जुलाई के मध्य अंतराल में ये पोजीशन और दुगनी रफ्तार से आपके लिए देखी जा सकती है। नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। एक फायदा जरूर है कि आप कुछ दिन अपनी नेटिव प्लेस के ऊपर बिताकर आ सकते हैं। यहाँ पंचम स्थान की जो कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ स्थान भी है, 16 से 23 जुलाई के लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भले ही जमीन के साथ जुड़ी हुई हो या फिर जो शेयर मार्केट की पोजीशंस के साथ में जुड़ी हुई हो, वहाँ पर एक रफ्तार देखी जा सकती है। निर्णय आपके लिए इस समय अंतराल के भीतर सही साबित होंगे 16 से 23 जुलाई, इस वजह से कि सूर्य यहाँ कर्क राशि में आ चुके होंगे, शुक्र और राहु यहीं विराजित रहेंगे। राहु दिग्भ्रमित करते हैं किंतु शुक्र यहां पर एक गट फील देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति के भीतर से एक सिक्स सेंस ऐसी पोजीशन के अंदर निर्णय दिलवाने की ओर अग्रसर करता है कि नहीं, हम जहां बढ़ रहे हैं वो पोजीशन स्पष्ट तौर के ऊपर बिल्कुल सही है, ऐसे निर्णय की तरफ भी जाते हुए आप खुद को देख पाएंगे। साथ में ही विद्या की स्थितियां, जो भी कॉमर्स के फील्ड के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक तरह से ठहराव आ सकता है, उनके लिए ब्लॉकेज आ सकते हैं, दुगनी मेहनत की आवश्यकताएं रहेंगी। यही इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर भी है किंतु मेडिकोस के लिए ये टाइम फ्रेम अच्छा कहा जा सकता है, उनके हिसाब से ये समय बेहतरीन है। फार्मास्यूटिकल के साथ में भी, फार्मा डी फार्मा की कोई भी एजुकेशन के साथ में आप जा रहे हैं तब भी समय अंतराल बेहतर है आपके लिए। 1 से 23 जुलाई के मध्य फैशन टेक्नोलॉजी के किसी भी कोर्स की तरफ जा रहे हैं आप चले जाइएगा, निर्णय आपको पछताने की ओर लेकर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं होगा। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है ये पोजीशन शुरुआती स्तर के ऊपर बेहतर नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप से अपनी चाल में या फिर जो भी एक तरह से चेकअप्स होते हैं उसमें एक कंट्रोल स्थापित करके रखिएगा। सिक्स्थ हाउस सर्वप्रथम जो ऋण की स्थितियां सामने निकल कर आती है, मंगल यहां पर थोड़े से एक तरह से डेफिशिएंसीज या फिर कमजोरी वाली स्थितियां दे सकते थे, इंस्टेंट बेसिस पे गलियां निकालने की तरफ व्यक्ति जा सकता था, किंतु बृहस्पति ने नियंत्रण करके रख रखा है इसलिए वहां पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत लंबे समय से कर्जा आपके ऊपर था और उसमें रिलीफ नहीं मिल पा रही है, बृहस्पति की ये स्थिति जुलाई माह में ही नहीं 11 अगस्त तक आपको बेनिफिट दे सकती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रख के सर्वप्रथम उस स्तर के ऊपर भरपाई करने के लिए जाइएगा तो देखिए आप स्वच्छंद सांस पूर्ण रूपेण ले पाएंगे इस समय अंतराल के भीतर। शत्रुओं के ऊपर हन्य करने की स्थितियां, शत्रु इतने हावी नहीं हो पाएंगे किंतु वहीं पे लोअर ब्लड प्रेशर की पोजीशंस के साथ में आप परेशान थे, नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। थायराइड और त्वचा संबंधित रोग, हार्पीज जैसे रोग अगर पहले से थे तो वो फिर से हल्का फुल्का परेशान करने की तरफ जा सकते हैं। सोराइसिस जैसी बीमारियां भी इस समय उजागर होकर एक रफ्तार के साथ में बढ़ती है तो इसलिए उसकी चेकिंग और एक तरह से उसके डायग्नोस चेकअप्स वगैरह की तरफ बहुत प्रॉपर बेसिस के आपको जाने की आवश्यकताएं रहेंगी। सप्तम स्थान
यहां देखें आप कि गृहस्थ के भीतर सर्वप्रथम जो स्थितियां हैं वहां पर आपके लिए थोड़ी बहुत जो एक तरह से परेशानियों का सबब जो रहता है वो निकल कर आ सकता है। साथ में ही जो लव लाइफ की पोजीशन रहती है और वो भी एजुकेशन लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो एक फैसिनेशन की तरफ जा सकती है। खर्चे वहां पर दुगनी रफ्तार के साथ में निकल कर आ सकते हैं। गृहस्थ के भीतर हल्की फुल्की कहा सुनी बस इतना ही, किंतु लव एंड अफेयर्स के अंदर जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग तरीके की स्थितियों के साथ में सामने आ रही है। उन खर्चों के ऊपर बजटरी पोजीशंस नहीं गड़बड़ाए, इन फैसिनेशंस के साथ में आप अपनी पोजीशंस को गड़बड़ाने की तरफ नहीं जाएं, ये नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपको पूर्ण रूपेण रहेंगी ही रहेंगी, ख्याल रखिएगा। साथ में ही व्यापारिक स्थितियों के भीतर बात की जाए, होटल मैनेजमेंट रेस्टोरेंट के साथ में कोई भी व्यापारिक पार्टनरशिप करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन है समय, बढ़ते चले जाइए। वहीं पे कोई भी गुप्त रोग अगर पनपा हुआ था उसके इलाज करवाने की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत पुराना रोग फिर से सामने आकर खड़ा हो गया है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर बेसिस पे डायग्नोस के लिए जाना चाहिए। अष्टम स्थान की स्थितियां, अष्टमेश जब सिक्स हाउस के अंदर मंगल के साथ विराजित हो, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में समय अच्छा, किंतु रिसर्च के फील्ड के लिए ये टाइम फ्रेम इतना बढ़िया नहीं बना हुआ है। साथ में ही जो वृद्ध जो लोगों के आयुष्य की स्थितियां होती है उसके अंदर एक समतापीय स्थितियां बनी रहेगी, न बहुत ज्यादा कमतरी और न ही बहुत ज्यादा वृद्धि वाली पोजीशन। अगर कोई बीमारी है तो उसके साथ में उन्हें कोप अप करके ही चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। साथ ही साथ में कोई भी विदेश संबंधी यात्राओं की स्थितियों के भीतर आप प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर बिजनेस प्रपोशंस की तरफ जाना चाहते हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर है, चले जाइएगा। निर्णय में पछताने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। वहीं पे नवम स्थान की स्थितियां आप देखें कि उच्च शिक्षा के अधिपति होके, नवमेश होके जब शुक्र पंचम स्थान में विराजित रहेंगे, जो भी लोग उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन या उससे भी ऊपर की पोजीशंस की तरफ जाना चाहते हैं, 1 से 23 जुलाई के मध्य डिसीजंस ले लीजिएगा। बड़े लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तब भी आप कहीं नई कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, अपनी पोजीशंस को और बदलना चाहते हैं, ये टाइम फ्रेम बेहतर है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन भी वहां पर फेवरेबल बनी हुई है। भले ही ग्रहण दोष के अंदर हो किंतु नवम स्थान के अधिपति के साथ में बनी रहेगी तो एक बेनिफिट मिलता हुआ देखा जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर ये फासले इतने अच्छे नहीं कहे जा सकते, और उसके भीतर जब सिक्स हाउस के अंदर शुक्र आ जाएंगे तब तो और लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंसेज निकल कर आपके लिए आ सकते हैं। जो विकास क्रम है उसके भीतर जो खुद की ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड पोजीशंस रहती है वो डिस्टर्ब करने का कार्य आपको कर सकती है। दशम स्थान के भीतर, जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे निर्णायक पोजीशन बृहस्पति ने स्वयं बना रखी है, तो यहां पे कर्म के अंदर वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। जॉब चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रमोशन की तरफ लेकर जाएगा। जॉब चेंज सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के भीतर नहीं होता, आप कभी भी चेंजेस की तरफ जाते हैं तो वो भी जॉब चेंजेस की पोजीशन है। पिता के साथ में संबंधों के अंदर विच्छोह वाली स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। कर्म सिद्धि बृहस्पति पूर्ण रूप से देते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप 4 नवंबर से पहले पहले एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए चले गए, उसमें भी 11 अगस्त के पहले का समय अंतराल आप चले जाइएगा। किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्टीज पूर्ण रूप से आप स्थापित करते चले जाएंगे खुद के साथ में। कर्म सिद्धि एक्सपर्टीज पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। स्वतंत्र व्यापार करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से जॉब कर रहे थे, स्वतंत्र व्यापार के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बृहस्पति की यह स्थिति फायदेमंद है, बढ़ जाइएगा आगे। पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना कंफर्ट जोन भरा, और साथ में ही कुछ प्रमोशंस और मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर गेन भरा कहा जा सकता है। एकादश स्थान, और उसमें भी एक और बात कि घर परिवार और कुटुंबी जन उस सारे के सारे निर्णय से आपके साथ खड़े रहेंगे और खुशी के पल भी आपके साथ बिताएंगे। एकादश स्थान की स्थितियों में बृहस्पति की बात की जाए तो लाभेश होकर कर्म स्थान में, लाभ कर्म में आहूत होता चला जाएगा। जितना लाभ मिला वो कर्म के साथ इंडल्ज होके आगे जाकर चौगुनी रफ्तार से उसे बढ़ाने वाला होगा। यहां सिर्फ ये नहीं देखा जाए कि एकादशेश खुद से द्वादश है, दूसरी पोजिशन के अंदर वो कर्म स्थान के भीतर भी हैं, और साथ में अपनी जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से बिल्कुल निर्णायक पोजीशंस को देखने वाले भी हैं। शनि ने यहां, शनिदेव ने पूर्ण रूप से एकादश स्थान की पोजीशंस के अंदर विराजित होकर केतु के साथ में जो लाभ की आकस्मिक गतिविधियां होती है वहां पर भी पूर्णता के साथ में वृद्धि दे रखी है। केतु और राहु जैसे ग्रह भी एकादश स्थान में पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए
24 जनवरी 2020 और उसमें भी स्पेसिफिकली जो ये जुलाई का माह अंतराल है, शानदार रिजल्ट देने वाला बना हुआ है। अपनी रफ्तार को गति दीजिए, सारे के सारे निर्णय आपके लिए फेवरेबल होते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं द्वादश स्थान की पोजीशन, यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी जरूर देखी जाती है। देखिए, शिक्षा के साथ में या फिर व्यवसाय के साथ में आप बाहर रह रहे हैं, वहाँ पर जो व्यय है वो पूर्ण रूप से लाभ के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि जितना एक तरह से आपने एक्सपेंसेस की तरफ गए, कई बार वो एक्सपेंसेस दोगुनी रफ्तार से आपके लिए वापस रिटर्न देने वाले होते हैं, किंतु इस पोजीशन के अंदर ऐसे रिटर्न मिलते हुए नहीं देखे जा रहे। विदेश में रह रहे हैं तो घबराहट वाली स्थितियाँ आपके लिए बनी रहेगी, बार बार ये चिंता सताने का काम कर सकती है कि कहीं जॉबलेसनेस की पोजीशन की तरफ तो हम नहीं जा रहे, कहीं ऐसे ही कोई और स्तर के ऊपर तो नहीं जा रहे। ये परेशानियां एक तरह से आपको व्यर्थ का परेशान करने का काम करेगी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और कुछ रातों की नींद भी उड़ा सकती है। इसका ख्याल रखा जाने की आवश्यकताएं आपको पूर्ण रूपेण है, अन्यथा कुंभ राशि के लिए यह महीना श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला कहा जा सकता है। साथ में श्रावण मास की जैसे मैंने चर्चा की, तो शिव उपासना के साथ में लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए आपको, और साथ में ही शनिदेव की पूजा और अर्चना के साथ में भी प्रत्येक शनिवार आपको जरूर जाना चाहिए। सुंदरकांड प्रत्येक शनिवार अगर आप करते चले जाते हैं तो देखिएगा आपके सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो सुमरही तो तरही भव सिंधु बिना जलजान, ये सुंदरकांड की अंतिम चौपाई है और बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। तो इसी तरह है, आप लगातार बढ़ते चले जाएँ, कहीं भी रफ्तार को रोकने की आवश्यकताएँ नहीं है। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए समय दर समय उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।